Hi learners, this is Alisha Mahajan from An Academy. Hope you are doing well. In this lecture video, I'll be covering situations of balance of payment and accommodating items kya hoti hai, autonomous items kya hoti hai, balance of trade aur balance of payment mein difference kya hota hai. In sab ke barik points aapke saath is lecture video mein discuss karungi. So let's get started without wasting any time. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये भी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ये भी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ये आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस कर रहा है, ये सरप्लस होता है, ये डेफिसिट होता है. ध्यान से देखिएगा, अब डिसइक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन है, जैसे सरप्लस और डेफिसिट. देखो ध्यान से, जब हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होता है उसमें हमारा ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज होता है. रिजर्व पड़ा होता ना, इसीलिए इधर लिखा जाता है व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. और ये हमारा रिजर्व बेसिकली बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस सिचुएशन. डेफिसिट मतलब नुकसान, दोनों डेफिसिट पे है, करंट अकाउंट में भी कैपिटल अकाउंट में भी. तो हमारा यहाँ पर भी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट पार्ट नहीं होता कैपिटल अकाउंट के, ये वाली लाइन याद रखनी है. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि ऑलवेज बैलेंस करता है, उसमें हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को प्लस करेंगे, जीरो आएगा. इट मींस ऑफिशियल रिजर्व इसका पार्ट है. ऑफिशियल रिजर्व का पार्ट नहीं होता जब उसमें हिलडुल होती है. हिलडुल मतलब चेंजेस आते हैं. चेंजेस कैसे आते हैं, देखो सरप्लस के केस में पैसा बढ़ गया, अब वो पैसा ऑफिशियल रिजर्व में ऐड होगा. सो ऐड होगा इट मींस ऑफिशियल रिजर्व में हिलडुल हो रही है, हिलचल मतलब चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली. डेफिसिट में भी चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए ये भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होता, चेंज करना पड़ता बार बार. और पेमेंट जो होता आगे बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब बैलेंस करता है इट मींस करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इज इक्वल टू जीरो. इसमें आपका ऑफिशियल रिजर्व जो होता है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, ये याद रखना है. उसके बाद ये आपका ये सिचुएशंस हो गई. इसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है. देखो ऑटोनोमस आइटम सबसे पहले तो प्रॉफिट पर्पस के लिए की जाती है, मतलब आप एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, प्रॉफिट के लिए करते हो ना बेसिकली. तो जब आपका बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस आता है या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आता है, उसका रीजन ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं. इट मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्बैलेंस करने का जो रीजन होता है वो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं. ऑटोनोमस आइटम्स मैंने आपको बता दिया, जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, तो वो हमारे इसका पार्ट होता है. ठीक है, और ऑटोनोमस आइटम्स को हम अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं. इसके बाद बात करेंगे एकोमोडेटिंग आइटम्स को. बैलेंस हमारा इम्बैलेंस हो गया, सरप्लस आ गया या डेफिसिट आ गया. अब सरप्लस आ गया है तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व में ऐड कर देंगे. डेफिसिट है, कमी पड़ रही है, तो ऑफिशियल रिजर्व से निकाल कर बैलेंस कर देंगे. इट मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेज वाली सिचुएशन को रिस्टोर करने के लिए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस जीरो करने के लिए हम एकोमोडेटिंग आइटम्स का यूज करते हैं. और एकोमोडेटिंग आइटम्स का क्या मतलब होता है, एकोमोडेटिंग आइटम्स का मतलब होता है मूवमेंट इन द ऑफिशियल रिजर्व्स विद आरबीआई. ऑफिशियल रिजर्व्स विद आरबीआई अब क्या होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और भी कोई डॉलर्स हो गए इन सबसे, और इसे हम बोलते हैं बिलो द लाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट. लिख लीजिए, बिलो द लाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स को. मतलब ठीक करने का काम एकोमोडेटिंग आइटम्स का और इम्बैलेंस करने का काम ऑटोनोमस आइटम्स का होता है. नाउ अब आपको मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ एक बार बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये ब्रॉडर टर्म है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका पार्ट है, इट इज अ सब पार्ट ऑफ बीओपी, और बीओपी का पार्ट है एक बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है ना, ये मतलब छोटू हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा हो गया. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो हम सारी की सारी ट्रांजेक्शंस लेते हैं, लेकिन ट्रेड में हम क्या लेते हैं, ट्रेड में हम सिर्फ विजिबल दिखने वाली चीजें लेते हैं, विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स.
मतलब सर्विसेज नहीं लेते हैं, ये गुड्स के साथ भी डील करती है, सर्विसेज के साथ भी, ट्रांसफर्स के साथ भी, ये सिर्फ गुड्स के साथ डील करती है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें हमारा करंट अकाउंट भी होता है, कैपिटल अकाउंट भी होता है, इसमें सिर्फ करंट अकाउंट होता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस करता है, इसमें ऑफिशियल रिजर्व रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ पर सरप्लस डेफिसिट और वो वाली सिचुएशंस आ जाती हैं। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इसके अलावा सारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट के रिगार्डिंग जो सारा वीडियो है मैंने पहले भी बनाई हुई है, उसको पुरानी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या रेफर कर सकते हैं, ये जो किन किन लोगों के लिए ये तीनों वीडियोस हेल्पफुल है, चाहे आप कॉमर्स कर रहे हो, चाहे आप प्लस टू में हो, बीकॉम में हो, एमकॉम में हो, या यूजीसी का पेपर दे रहे हो, या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम अकाउंट्स मतलब कॉमर्स से रिलेटेड दे रहे हो, आप सबके लिए बेनिफिशियल है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।